बार बार नाम लिया जा रहा है सितारा यासीन के ससुर का और कहा जा रहा है कि सितारा उनके ऊपर जो है केयर नहीं करती थी उनका ख्याल नहीं करती थी आप लोगों ने ये आवाम तो ऐसे नहीं जुड़ी एक कनेक्शन बना है पब्लिक का कि वो देख रहे हैं कि एक सौतन दूसरी सौतन के लिए कितना मतलब ख्याल फिर भी रख रह रही है अगर एक के पास पैसा आया तो वो दूसरी को भी सपोर्ट कर रही है माली तौर पर भाई कौशर जो है एग्रीमेंट पे है उन्होंने समझाने की बात की हो लेकिन नहीं इन्होंने उसको घुमा फिरा के उसको जो है प्रोपोकंडा बना के यूट्यूब पे लाएंगे

और उसके बाद जो है अब मुद्दा उठाया जा रहा है सितारा यासीन के जो ससुर साहब हैं उनको बीच में घसीटा जा रहा है उनको आ, उनके बारे में बोला जा रहा है कि साजिद और सितारा को उसका ख़्याल क्यों नहीं है तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँ बताना चाहूँगी कि सितारा यासीन ने जो है फिर भी अपने ससुर के लिए शॉपिंग करना उनका ख़्याल रखना उनके लिए कूलर पंखे लगाना उनको खर्चा भेजना मतलब वो बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं और वो कराची नहीं रहना चाहते उन्होंने खुद भी कहा था एक दो वीडियो में कि बेटा मैं गाँव की ज़िंदगी जीना पसंद करता हूँ ना कि शहर की तो हर बंदे का अपना मिजाज है जो जो बंदा जहाँ पर रहता है वो वहीं का के रह जाता है और तो और ये वाला सवाल हेटरों को चाहिए उस खालिद साहब से भी पूछें खालिद साहब से जिन्होंने आधी रात को जो है अपने वालिद को घर से निकाल दिया था उनको खर्चा नहीं देते थे उनके ऊपर गंदे वाले इल्ज़ाम लगाए गए कि भाई ये छिड़ा छिड़ी करते हैं सुसर साहब तो ये अल्फाज मेरे ख्याल से आ, इनको भूल गए हैं ये चीजें इनको भूल गई हैं क्योंकि हेटर्स का काम है हेट फैलाना तो मतलब आ, अब अब्बा अब जान को लेके आया जा रहा है क्योंकि इनको तकलीफ हो रही है कि सितार यासीन अपने ताया अबू और अपनी जो अम्मी हैं उनका इतना ख़्याल कर रही हैं अपनी अम्मी का और उनको शॉपिंग और उनको खाने पिलाने और सुसर जो है जब आए थे आ, कराची तो उनको सिर्फ शवार में खिलाए जा रहे थे और तो भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो अब रहता था गंद फैलाने के लिए वो अब रहता था अच्छा जी टारगेट कर रहे हैं वो साहब सितारा यासीन के सपोर्टर्स को और कह रहे हैं कि सितारा यासीन के सपोर्टर्स ही उसके खिलाफ हैं तो भाई जो भी के खिलाफ है या जो आप चीजें कहना चाह रहे हैं खुल के बोले आप किसको टारगेट कर रहे हैं किसको सुनवाना चाह रहे हैं एक तो आप सीधा सीधा जो है हेटर्स के मुंह से निकल रहा है दिल भर का नाम के भाई दिल भर कहते थे कि आप तस्वीरें ना रखे हैं वो कहता है मेरे पास बड़े बड़े प्रूफ हैं वो ब्लैक करने आया है सिर्फ ब्लैक और कुछ भी नहीं मतलब तो अजीब सी खिचड़ी सी बना रहे हैं जिसका एक मतलब अगर एक टॉपिक थोड़ा सा ठंडा होता है तो दूसरा टॉपिक ले आओ उसको जो है बस दिल्ली लगा दो और धुआं उसका निकलता रहे निकलता रहे बस इस धुएँ तक ही रहेंगे और ये जो है आ, फिर और जब तक नया टॉपिक ढूंढ के लाएंगे तो उसमें फिर धुएं पे पानी फेंक देंगे फिर आगे निकलने की कोशिश करेंगे फिर आगे निकल के फिर वापस जाएंगे ये हेटर फिर उसी धुएं को दोबारा सा जो है तीली लगाएंगे और फिर उसको जलाने की कोशिश करेंगे इस तरह के मतलब टॉपिक्स चल रहे हैं एक साल से मुसलसल इसको बंद ही नहीं होने दिया जा रहा जी बार बार नाम लिया जा रहा है सितारा यासिन के ससुर का और कहा जा रहा है कि सितारा उनके ऊपर जो है केयर नहीं करती थी उनका ख़्याल नहीं करती थी आप लोगों ने उनके ब्लॉग्स में देखा होगा अक्सर वो खाना का के अपने हाथों से जो है अपने ससुर को दे के आती थी और उनसे बातचीत भी करती थी और उनको चाय बना के दे रही है, अंडे उबाल के दे रही हैं मतलब सर्दियों में जब वो गई हुई थी तो हमने काफी चीजें देखी वो बहुत ज्यादा केयर कर रही थी फ्रूट लेके आ रहे हैं साजिद भाई भी, भी जब वहां पे थे ब्लॉग बनाते थे तो डेली वो अब्बा जान को ये मिठाई पसंद है ये लेके जा रहा हूँ अभी ये फ्रूट अबू को ये वाले पसंद है ये लेके जा रहा हूँ कौसर के लिए अलग और अब्बा जान के लिए अलग अच्छा कौसर के लिए बार बार बात की जा रही है तो कौसर ने भी यही कहा कि मैंने शहर में नहीं रहना मैंने जो है वहीं पर रहना है अपने घर उस के लिए बाकायदा सितारा यासीन ने घर भी खरीदा जिसमें वो शिफ्ट हुई है क्योंकि वो हिस्से थे दो तीन भाइयों के तो वो पता चला था राबिया ने सेल किया है सितारा को उसकी पे जो है सितारा ने आ, की और वो जो कमरे उसको मिले हैं कौसर को वो सितारा की वजह से मिले हैं सितारा ने उसकी पेमेंट भरी है ये बहुत बड़ी बात होती है इसलिए आवाम नहीं जुड़ी है इतनी आठ लाख नौ लाख अब होने वाली है ये आवाम तो ऐसे नहीं जुड़ी एक कनेक्शन बना है पब्लिक का कि वो देख रहे हैं कि एक सौतन दूसरी सौतन के लिए कितना मतलब ख्याल फिर भी रख रही है अगर एक के पास पैसा आया तो वो दूसरी को भी सपोर्ट कर रही है माली तौर पर तो ये बहुत बड़ी बात है बहुत ही मतलब अप्रिशिएट करने की बजाय उल्टा इन पे इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं तो ये आ, आ, मैं कहना चाहूँगी हेटर सहबान को जो बंदा आपकी लाइव में आके आ बैठता रहा है जिसके पास आप लोगों के लिए तो टाइम होता था लेकिन वो सितारा और साजिद को टारगेट तो करता रहता था बुरा भला कहता रहता था लेकिन <laughs> लेकिन वही जो है साजिद का भाई जो है वही जो सितारा और साजिद को हेटरों की लाइन में बैठ के बुरा भला कहता था वो बंदा और उसकी बीवी ने आधी रात को अपने वालिद को घर से निकाला था सितारा ने ठेका नहीं लिया हुआ था ये बेटे का भी हक बनता है लेकिन उस बेटे को आप चुम चुम को बिठाते हैं और हल्ला शेरी दे दे के बिठाते हैं कि सितारा के और साजिद के खिलाफ बोली जाओ बोली जाओ

पक गया है जैसे बंदा पक जाता है ना वो सब पकाने वाली बात है पका पका के जला रहे हैं साड़ रहे हैं मतलब कड़छा घुमाए जा रहे हैं एक ही बात तो वही घुमा घुमा के लेके आ रहे हैं आप जैसे जहाज साहब आ चुके हैं और जहाज साहब जो है अजीब गरीब पॉइंट सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं नहीं नहीं मैं फेम के लिए तो नहीं आया तो भाई आपको इंसाफ भी यहाँ पे मिलना है दबी हुई बात छुपी हुई बात सोई हुई बात को आप दोबारा उठा उठा के खुरेज खरेज के बता रहे हैं नहीं नहीं फला वाली वीडियो जो वो हेटरों ने बनाई थी हमने नहीं बनाई थी वो आप लेके आए थे आप उनको सपोर्ट कर रहे हो तो ताकि वो आपकी बार बार फोटो लगाए और आपको बार बार जो है फेम पे लेके आए ये आपका फेम का ही चक्कर है जो आप कह रहे हैं नहीं नहीं मुझे तो सितारा ने कहा था कि तुम चैनल बना लो मैं तुम्हारा साथ दूंगी मैंने तो खुद नहीं बनाया मतलब पता नहीं कहाँ से ये बातें लाते हैं कहाँ से ये उठाते हैं चीज़ें और आके वाई टी पे बैठ जाते हैं और मैं टेस्ट करवाऊंगा मैं जो है जो सपोर्टर हैं वो मेरे साथ कॉन्टेक्ट में है हो सकता है बार बार मरियम का नाम ले रहा है वो बंदा हो सकता है मरियम ने यह कहा कि भाई तू क्या गंद लेके आ रहा है ये क्या कहना चाह रहे हो आप पे कौन सा गंद लाना चाह रहे हो आप क्या करना चाह रहे हो आपको पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं उन्होंने समझाने की बात की हो लेकिन नहीं इन्होंने उसको उसको घुमा फिरा के उसको जो है प्रोपोगंडा बना के यूट्यूब पे लाएंगे अब इस बंदे का हक हाँ बनता है कि ये वाली चीजें करे ये ब्लैकमेल करता है देखे जी मेरी तो साजिद से भी बात हुई थी वो भी मैं दिखा सकता हूँ मतलब अजीब सी कंफ्यूजिंग ये बंदा पैदा कर रहा है सितारा के खिलाफ साजिद के खिलाफ और सितारा के सपोर्टर्स के खिलाफ कभी ये कहता है एक बंदी जो है मेरे रब्ते में आई थी कभी कहता है सारे सपोर्टर जो हैं वो आ, सितारा के खिलाफ हैं मुझे समझ नहीं आ रही किस तरह के खिलाफ हैं आप किस को खिलाफ कहते हैं आपको हम झुटलाते हैं आपको हम नहीं मानते आपको हम आ, सीधे रस्ते पर चलने की बात करते हैं कि भाई ये कौन सी चीज़ें तुम लेके आ रहे हो इसलिए तुम्हें हम अच्छे नहीं लगते इसलिए तुम्हें वो लोग अच्छे लगते हैं जो तुम्हें बार बार जानी कहते हैं बार बार तुम्हें बुरा भला कहते हैं तुम्हारी कुत्ते वाली करते हैं तुम्हारी फोटो लगाते हैं तुम्हें फेम दिला रहे हैं हमने तो नहीं लगाई फोटो अगर लगाई तो उस पर पहचान ही ना हो लेकिन नहीं आप उन लोगों को शाबाश दिए जा रहे हैं जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं और सितारा को गालियां देते हैं उनकी तारीफें तारीफों के पुल बांधे हुए जी जनाब इनका आप मकसद जो है ये वाज तौर पे समझ लें इनका मकसद है दिलबर और सितारा वगैरह को अलग करना तोड़ना और यहाँ पे एक जगह पे बात हो रही थी कि भाई बाबर को हम बीच में नहीं लाते बाबर को बीच में नहीं लाते हम जो है दिल भर को करते हैं टारगेट अच्छा यहाँ पे बात करेंगे बाबर जो है अपनी वालदा को घर ले आया है और अच्छी बात है घर ले आए हैं तो मिलजुल के रहना चाहिए बेशक जिंदगी में अच्छे उतार चढ़ाव आते रहते हैं वहाँ पे नागिन भी है जो नागिन साहब नागन नागन वापस आ चुकी हैं और जो कह रही थी ना माँ तो घूम के आऊंगी नारायण का गान <laughs> फिर वो वापस आ गई है और तो मैंने पहले ही कहा था अपने रिएक्शन में कि ये रिश्ते टूटने वाले नहीं होते जज्बात में आके बहुत सारे लोग फैसले तो कर लेते हैं लेकिन बाद में सोचते हैं कहते ओहो हम कहीं गलती पे थे तो फिर वापस मुड़ के जो छोड़े हुए रिश्ते होते हैं आप वापस पकड़ के लाते हैं तो इससे बेहतर है ऐसे जज्बात में आके बंदा फैसले ना ही करे तो अच्छा है जी अब जो है <coughs> ये भी कहा जा रहा था देखें जी एक लाइव में कहा जा रहा है कि सितारा के तो व्यूज कम हुए हैं सलमा के क्यों नहीं हो रहे ये सपोर्टर किसी की लाइव में बात चल रही थी ये हेटर बोल रहे थे तो अब सलमा के व्यूज कैसे गिराए तो एक महदरमा है वो बोल रही थी देखें जी ये तो अल्लाह ताला रिस्क देता है अल्लाह रिस्क देता है इसीलिए जो है ना ये लोग तो ऐसे जलते हैं बोलते हैं जी ये लोग कंपेन चला रहे हैं दो महीनों से सितारा यासीन के खिलाफ फेसबुक पे यूट्यूब पे पेज बनाए हुए हैं और वहां पे सितारा यासीन की वीडियोस उठा उठा के लगा रहे हैं और आज वही कह

आप लोगों के हाथ में है रोजी रोटी रोजी रोटी अल्लाह ताला के हाथ में है उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहते हैं कभी अल्लाह ताला झोली भर के दे देता है तो कभी आपको थोड़ा थोड़ा देता है लेकिन हाथ नहीं रोकता तो इसीलिए प्लानिंग करना आप भी बंद कर दे आप लोग भी जो प्लानिंग करते हैं ना वो गलत है अल्लाह पे जब भरोसा है तो छोड़ दो अल्लाह पे सिर्फ रिएक्शन की हद तक रहें लेकिन रिएक्शन भी नॉर्मल तो हम तो ना लगाएं यहाँ पे जी इंसाफ बांटा जा रहा है कि ससर को भी इंसाफ दो तो ससर को जो इंसाफ है वो उसके बेटे देंगे सितारा ने नहीं देना अजीब सोच है मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वो अपने वालदन की इतनी खिदमत क्यों कर रही हो पहली बार आए हैं उसके घर पहली बार और दुख में भी इसके साथ ही रहे इसको हौसला दिलासा देते रहे यही ज्यादा तकलीफ हो रही है कि उसने जो है सलमा का साथ नहीं दिया सितारा का साथ दिया है तो देखें हमारे बच्चे होते हैं हम सबको समझाते हैं बेटा आपस में ना लड़ो माँ बाप यही होते हैं ना बराबर आंखें बराबर होती हैं औलाद जब हम छोटे थे ना कहते थे आ, भाई बर, हमारी आंखों बराबर है औलाद हमारे मतलब जैसे आंखें हैं हमारे बच्चे भी ऐसे ही बराबर हैं हमारे तो हैं लेकिन बात यह है कि मुझे समझ नहीं आती थी कि इसका क्या मतलब होता है बराबर है आंखें तो अब समझ आया कि जब हम वालदेन बने तो हमारे लिए बराबर हैं बच्चे लेकिन ए, कुछ बच्चे हमारे जो है हमारा कहना मानते हैं कुछ बच्चे जो होते हैं ना फरमा बरदार होते हैं कुछ नाफरमान होते हैं तो ना फरमान से माँ बाप वक्ती तौर पर लाजमी नाराज होते हैं बेटा आप गलत रस्ते पर चल रहे हो तो वो अपनी बच्ची को खुद ही कह रहे थे कि भाई आप बेटा गलत रस्ते पर चल रहे हो क्या वो गलत कर रहे हैं मुझे नहीं लगता किसी को यह सोच आएगी आ, लेकिन इनको समझना चाहिए कि माँ जो है दोनों की है एक की नहीं है अगर औलाद कहीं गलत जा रही है तो उसको माँ समझाएगी कि बेटा आप गलत रास्ते पे जा रही हो आप गलत कर रहे हो आप गलत का साथ दे रहे हो क्या मिला उन्हें फिर गलत का साथ दिया बाद में भागना पड़ा ना यहां से यहां से भागना पड़ा यहां से आउट होना पड़ा भा, आ, के भाई हम हम तो टॉपिक की क्लोज कर रहे हैं तो आप लेके क्यों आए थे ग, गंदगी मचा के सबको गालियां पढ़वा के खुद खा के जो है अब बैग पैक किया और भागने की की जी जनाब ये न्यू न्यू चीजें जो है मजीद आई जा रही हैं अब ससुर को इंसाफ दो वाले वाली बात भी उठ रही है कि ससुर को जो है सितारा यासीन सिर्फ बर्गर खिलाती थी हाथ से खाने पके हुए नहीं खिलाती थी लेकिन हमने बहुत बार देखा है कि वो खाना चाय जो भी बना रही है वो अपने जो है व्लॉग में दिखाती थी प्रॉपर तरीके से यहाँ तक के वो अपने हस्बैंड और कौशर को भी एक ही बर्तन में खाना देती थी मतलब एक ही बरात वो जो होती है ट्रे उसी में खाना सजा के देती रही है तो हमने ये चीजें भी देखी हैं तो जी जनाब जो कि इन्हें कभी भी नहीं समझ आनी और अल्लाह सबको हिदायत दे और इंसाफ मुझे नहीं लगता वाइटियों पे इंसाफ़ मिलना है अगर आपने यह सवाल उठाना है तो आप उस आदमी से भी उठाएं जो आप लोगों की लाइवों में बैठ के गुलछरे उड़ाया करता था लेकिन बीमार बाप का पता भी नहीं करता था ना उसका इलाज करवाता था ना उसे कूलर पनखा तख लगवा के दिया ये सितारा की महरबानियाँ हैं जो उसने बहुत ज़्यादा साथ दिया यहाँ तक कि अब तो साजिद भाई ने घर में फ़र्श लगवा के दिया घर पेंट करवा के दिया बिजली का काम करवा के दिया पानी का काम करवा के दिया बहुत ज़्यादा अभी भी ये आ, जो है साजिद वगैरह उनको बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं हम लोगों ने देखी हैं ये चीज़ें तो उनको मानना चाहिए बाकी दूसरा इंसाफ वाला जो है ढोलकी इंसाफ ले, लेने वाला जो आया हुआ है उसको भी देख लेंगे पता नहीं वो अब मजीद क्या यहाँ पे कचरा फैलाता है गंद फैलाता है तो देखेंगे फिर ये खुद ही समेट के इंशाल्लाह जाएगा तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब करते मेरी जान की टोटियो छोटी छोटी छोटी, छोटी एंड मोडियो अल्लाह हाफिज़